जेलेंस्की को जेट के नाम पर झांसा मिला तो टैंक के नाम पर धोखा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आप हमारी अगली रिपोर्ट में जरूर देखिएगा। वैसे जानकारी के लिए आपको इतना जरूर बता देते हैं कि नाटो ने यूक्रेन को उंगली पर गिनने लायक टैंक देने का ऐलान कर दिया। उसे पुराने और आउटडेटेड टैंक थमाने का प्लान बनाया है, यानी कि मदद की आड़ में यूक्रेन को कबाड़ पकड़ाने और उसे डंप यार्ड बनाने का इरादा है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका के एब्रम्स टैंक की खूब चर्चा है। इस वॉर जोन में जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक की चर्चा भी जोरों पर है। युद्ध के मैदान में ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के ये टैंक इंटरनेशनल हेडलाइंस में शुमार है, लेकिन सच ये है कि इनमें से एक भी टैंक अब तक यूक्रेन की सेना को नसीब नहीं हुआ है। इन टैंकों के यूक्रेन पहुंचने से पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें तबाह और बर्बाद करने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन के इस प्लान की खबर यूक्रेन से लेकर नेटो के देशों को भी मिल चुकी होगी, लेकिन अब टैंकों से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी और अनकही खबर सामने आई है जो जेलेंस्की को सदमा देने वाली है। वो सबसे नई खबर आपको बताएं, उसके पहले कुछ सवाल। क्या मदद की आड़ में यूक्रेन को डंपिंग जोन बनाने का प्लान है? क्या मदद के नाम पर जेलेंस्की को सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है? क्या नए हथियारों को आगे कर यूक्रेन को कबाड़ की सप्लाई होने वाली है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जर्मनी ने अभी यूक्रेन को अपने बेहद पुराने लेपर्ड 1 टैंक की सप्लाई करने का फैसला लिया है। लेपर्ड 1 की ताकत क्या है, ये लेपर्ड 2 से कितना अलग है, इससे जानने से पहले इसके आगाज से अंजाम तक की कहानी जान लीजिए। लेपर्ड 1 टैंक 1960 के दशक में बना, 2003 में ही जर्मनी ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, यानी जो टैंक 60 साल से भी ज्यादा पहले बना, जिसका इस्तेमाल खुद जर्मनी ने 20 साल पहले छोड़ दिया, अब उस कबाड़ टैंक की सप्लाई यूक्रेन को होने जा रही है। जर्मनी ने 88 लेपर्ड 1 टैंक यूक्रेन भेजने का फैसला लिया है। जर्मनी की सरकार ने एक प्राइवेट हथियार कंपनी को लेपर्ड 1 की डिलीवरी की मंजूरी भी दे दी है। Soll zwei Bataillone Leopard 2 Panzer geben. Nicht eins Leopard 1, eins Leopard 2, okay. Sondern es sind zwei Leopard 2 Panzer Bataillone geplant. Und insoweit ist das die Antwort auf die dritte Frage, ob das da irgendwie reinpasst. Das ist ein Antrag, der schon seit geraumer Zeit beantragt worden ist, um eine Lieferung von Leopard 1 Panzern zu ermöglichen. जाहिर है जिन टैंकों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है वो कबाड़ और बेकार में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में खबर है कि 88 लेपर्ड 1 टैंकों की मरम्मत करने में ही 100 मिलियन यूरो यानी 8 अरब 90 लाख से ज्यादा का खर्च आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि सालों पहले लेपर्ड 1 का निर्माण बंद हो चुका है, इसके गोले भी लेपर्ड 2 से काफी अलग होते थे। ऐसे में क्या मदद के नाम पर लेपर्ड 1 की खेप सिर्फ शोपीस बनाकर भेजी जाएगी? लंबे समय तक हिचकिचाहट और नानुकुर के बाद जर्मनी ने 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान किया। यूरोप के बाकी और देश भी यूक्रेन को 66 लेपर्ड 2 टैंक देंगे।
इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के युद्ध में टैंक ने पूरा गेम बदल कर रख दिया। ऐसे में ज़ेलेंस्की नाटो देशों से जल्दी और ज्यादा टैंक देने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन काफी कश्मकश के बाद अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने गिनती के टैंक देने का ऐलान किया और अब नए टैंकों के साथ गुजरे जमाने के टैंकों को भी खपाने की तैयारी है। Der wird von einem betroffenen Unternehmen gestellt, weil das sind diejenigen, die die Geräte haben und sie ausführen wollen. Es geht ja um eine Ausfuhr, eine Exportgenehmigung. सिर्फ जर्मनी ही नहीं, वो देश जिनके पास कबाड़ के तौर पर लेपर्ड 1 टैंक पड़े हैं, वो भी इसे यूक्रेन में खपाने का प्लान बना रहे हैं। ये तस्वीर बेल्जियम की है, जहां लेपर्ड 1 का ये गोदाम बोझ जैसा है। 2014 में लेपर्ड 1 का इस्तेमाल बंद करने के बाद बेल्जियम ने टैंकों को कौड़ी के भाव एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। बेल्जियम की सरकार ने कुछ लेपर्ड 1 टैंकों को म्यूजियम के हवाले कर दिया तो कुछ को ट्रेनिंग के मकसद से रखा और बाकी टैंकों को 10,000 से 15,000 यूरो के भाव से बेच दिया। लेकिन अब उन्हीं कबाड़ लेपर्ड 1 टैंकों को 5,00,000 यूरो के भाव से खरीद कर यूक्रेन भेजने का प्लान है। बड़ी बात यह है कि इन टैंकों को एक्टिव करने के लिए मरम्मत में ही 10,00,000 यूरो का खर्च आएगा। इनमें नए इंजन और लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी समेत कई कलपुर्जे बदलने की जरूरत है, लेकिन युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करनी है। ऐसे में अब चाहे ये लेपर्ड 1 बेकार हो या कबाड़, इन्हीं की रंगाई पुताई और मरम्मत कर इसे ज़ेलेंस्की को बतौर तोहफा भेजने की तैयारी है। अब आपको लेपर्ड 1 और लेपर्ड 2 का फर्क भी समझा देते हैं। लेपर्ड 1 में 104 मिलीमीटर की गन लगी है और लेपर्ड 2 में 120 मिलीमीटर की गन लगी है। लेपर्ड 1 में 819 हॉर्स पावर का इंजन है तो लेपर्ड 2 में 873 हॉर्स पावर का इंजन है। लेपर्ड 1 की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लेपर्ड 2 की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेपर्ड 1 का वजन 42.2 टन है तो लेपर्ड 2 का वजन 62.5 टन है, यानी हर पैमाने पर लेपर्ड 2 ज्यादा मजबूत, मॉडर्न और नई तकनीक से लैस है। एक तरफ पुतिन युद्ध के 365 दिन पूरे होने से पहले इसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के लेपर्ड 1 जैसे बेकार और कबाड़ टैंक के बूते युद्ध फतह करने के सपने संजोए बैठे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की को अमेरिका से 31 एम्ब्रम्स, जर्मनी से 14 लेपर्ड 2 और ब्रिटेन से भी 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं, लेकिन पुतिन के पास भी इनके जवाब में T-19, T-72B3 और T-80 जैसे ताकतवर टैंक हैं। पुतिन के टैंकों का लोहा ज़ेलेंस्की की आर्मी भी मान चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस की सेना ने अपने जिन टैंकों को यूक्रेन में छोड़ दिया, उन्हीं की मरम्मत कर ज़ेलेंस्की की सेना दोबारा इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। अगर जर्मनी के लेपर्ड 2 और रूस के T-72 टैंक की तुलना करें तो लेपर्ड 2 में 120 मिलीमीटर की गन लगी है तो T-72 में 125 मिलीमीटर की गन है। लेपर्ड 2 की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो T-72 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेपर्ड 2 का वजन 62.5 टन है तो T-72 का वजन 41.5 टन है। हालांकि T-72 का एडवांस और अपग्रेड वर्जन T-72B3 कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो यूक्रेन की सेना के पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में टैंक पावर रूस से नाटो के गिने चुने टैंकों का मुकाबला एक तरफा साबित हो सकता है। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।